मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की मंशा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश भर में अन्य जगह पर योग कराकर आम जनता को लाभ पहुंचाने की मंशा से आज कोटेश्वर मंडल द्वारा आनंद नगर बड़ा पार्क में योग सम्पन्न कराया गया। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक आम जनता को प्रेरित किया गया। योगा एक्सपर्ट्स द्वारा योग के गुण सिखाए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री राजकुमार परमार, कैलाश तोमर, योग दिवस के सह प्रभारी गौरी शंकर धाकड़ एवं कोटेश्वर मंडल महामंत्री श्याम गोड़, नितिन दीक्षित, राजू यादव, पप्पू जादौन, विनोद तोमर, सतीश जादौन, बच्चन किरार, अरविंद किरार, साथ ही में अजमेर सत्येंद्र राजावत जी, जितेंद्र जी, रणजीत दबंग जी और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। और ये निर्धारण हुआ कि 21 जून को 2015 से इसकी शुरुआत हुई, जिसमें 34,000 प्रतिभागियों ने इंडिया में भाग लिया और तभी से मोदी जी की अगुवाई में अपना विश्व योग दिवस आगे निरंतर कर रहा है। और अपन ऐसी उम्मीद करेंगे कि अपन को योग करना है, निरोग करना है। हाथों पर कान से लगे हुए गर्दन हल्की सी पीछे सांस भरी है। सांस छोड़ के नीचे जाए, दोनों पैर बीच में रहेंगे, हथेलियां आजू बाजू सारी होंगी एक से सांस बाहर उसमें सीधे। जय श्री राम। नाभि अंदर खींची है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के शरण मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ यहाँ से, और अभी ये योग दिवस का योग प्रभारी हूँ। कब से चल रहा है ये कार्यक्रम? कंटिन्यू है सब, लगभग 4 से 5 साल हो गया, और आज तो संख्या थोड़ा कोविड की वजह से कम है, बाकी कम से कम 100 लोगों के बीच में ये योग पर डे चलता है, महिलाओं का अलग और बुजुर्गों का और जेंट्स का एक तरह से अलग चलता है। इस कार्य में ये व्यवस्था गवर्नमेंट ने भी रखी है, टीन शेड कराया, पीछे की तरफ आप देखेंगे तो उसमें निरंतर योग चलता है। तो देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस कोविड महामारी के समय जो योग ने पूरे देश को बचाया है, यहाँ एलोपैथ की दवाइयाँ उतना काम नहीं कर पाई जितने योग ने जितना काम किया है, विश्व में ऐसा किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 से योग को लोगों ने, आम आदमियों ने अपनाया है, जिससे आदमी पूरी तरह स्वस्थ होकर योग से पूरा अपनी जीवन शैली बदल रहा है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा।